सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत रंगड़ के बेसहारा गौवंश के लिए निकटवर्ती चार पंचायतों के सहयोग से गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा। पंचायत के दो दानवीर सज्जनों ने गौशाला निर्माण के लिए करीब 15 कनाल भूमि भेंट स्वरूप पंचायत को दे दी है। गुरुवार को भेंट स्वरूप प्रदान हुई भूमि पर जेसीबी लगाकर उसे समतल करवाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है। आगामी एक दो दिन के भीतर भूमि पर शेड डालकर गौवंश को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। पंचायत के प्रधान संजीव कुमार, उप प्रधान विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगड़ पंचायत के भाटी गांव निवासी परशोत्तम चंद ने अपनी स्वर्गीय पत्नी राजकुमारी की याद में करीब 10 कनाल भूमि और इसी गांव की गोपा चंद ने 5 कनाल भूमि गौशाला निर्माण के लिए भेंट स्वरूप पंचायत को दे दी है। दोनों दानी सज्जन परिवार ने भूमि समतल करवाने का कार्य भी शुरू करवाया है। इसके साथ साथ यहां के समाज सेवी पंडित विवेक शर्मा ने भी भूमि समतल करवाने के लिए जेसीबी उपलब्ध करवाई है। निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस मौके पर पहुंचे सुजानपुर भाजपा के सचिव प्रकाश सुदियाल ने भी 11,000 रुपए की दान राशि गौशाला निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में गौशाला निर्माण का खर्चा चार पंचायतों जिसमें जोल, लंबरी, पटलादर, रंगड़ और चलहो शामिल है, उन्होंने आपसी सहयोग से इस खर्चे को उठाने की बात कही है, जिस पर शीघ्र अतिशीघ्र चारों पंचायतों के प्रतिनिधियों से बैठकर बातचीत करके आगामी कार्यवाही की जाएगी। आज यहाँ पे हमने समस्त गाँववासियों के सहयोग से इस युद्ध स्तर पर यहाँ पे गौशाला का शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले गाँववासियों को धन्यवाद देता हूँ और खासकर गांव भाटी के जो हमारे बुजुर्ग हैं पुरुषोत्तम चंद शर्मा जी तथा अशोक कुमार जी, जिन्होंने 10 करनाल जमीन जो है वो पंचायत के नाम गिफ्ट डीड की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तथा जो गत दिनों हमारी पंचायत में एक घटना हुई थी, जिसे पूरी जनता संसार हो गई है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता को शर्मसार किया है इस लोग ने। और अब हम इस कलंक को दूर करने के लिए अतिशीघ्र युवा हमारे साथ जुड़े हैं, युवाओं में बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए। इसके लिए हमारा जो हमने जो सोचा है, इसमें हमने चार पंचायतों का एक सामूहिक गौ सदन सामूहिक पंचायत यहाँ पे खोलने का निर्णय लिया है। इसमें रंगड़ पंचायत है, जोड़ पंचायत है और ग्राम पंचायत रंगड़ है, अपना प्रलांदर है, चिलो पंचायत है। चार पंचायतों को मिला के हमने यहाँ पे गौ सदन खोलने की व्यवस्था की है। इसके साथ कोई भी आगे वाला इच्छुक हो तो वो भी जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लगातार जो गौओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हम उन अत्याचारों को रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर जुड़े हैं। हमारे सहयोग के लिए जितने भी जुड़ सकते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और खासकर हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहां पर पहुंचे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार जी, मैं भाजपा सचिव सुजानपुर से काश दयाल। आज जो ग्राम पंचायत रंगड़ के प्रधान और प्रधान है, स्थानीय लोगों द्वारा इस गौशाला के लिए सराहनीय कदम है, इलाकावासियों ने इसका स्वागत किया है। और जो घटना हाल ही में घटी थी उसके ऊपर, जो हमारी गौ माताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर जो शीर्ष और अतिशीघ्र इस निर्णय का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। जो ग्राम पंचायत रंगड़ के प्रधान और इनकी समस्त पंचायत ने इस जमीन का और जमीन देने वालों को भी धन्यवाद दिए हैं जिन्होंने इस योग के लिए कदम उठाया। और ये जगह बिल्कुल उचित है, इसके लिए गौशाला के लिए जो पानी की व्यवस्था, रास्ते की, रोड की, आवागमन की जो भी है, हर समस्या का हर जरूरत जो है वो
समय सारणी पूरी हो सकती है, इसके लिए रंगड़ पंचायत का। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से सरिता राणा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।